नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 10 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। शुक्रताल उत्तर प्रदेश में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज हुआ समापन। इस कथा में परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज ने लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का किया प्रयास। आज से जींद हरियाणा में आरंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा। 23 मार्च तक चलने वाली इस कथा में कथावाचिका पूज्या जया किशोरी जी अपने भजनों और प्रवचनों से लोगों को भक्ति रस में करेंगी सराबोर। 24 मार्च से जूनागढ़ में लीजिए श्रीमद् देवी भागवत कथा का आनंद। 31 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्या माँ कनकेश्वरी देवी जी लोगों के सामने माता की महिमा का करेंगी बखान। मुजफ्फरपुर बिहार में 26 मार्च से कीजिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान। 1 अप्रैल तक चलने वाली इस कथा में कथावाचिका पूज्या देवी चित्रलेखा जी अपने संकीर्तनों के माध्यम से लोगों को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का करेंगी प्रयास। 28 मार्च से सालासर राजस्थान में आरंभ होगा हनुमान वचनामृत कार्यक्रम। 3 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में परम पूज्य ब्रह्म ऋषि किरीट भाई जी राम भक्त हनुमान की गाथा का करेंगे बखान। ग्वालियर में 1 अप्रैल से लीजिए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद। 8 अप्रैल तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ने का करेंगे प्रयास। 5 अप्रैल से चित्रकूट में शुरू होगी श्री राम कथा। 13 अप्रैल तक चलने वाली इस कथा में परम श्रद्धेय संत श्री मुरलीधर जी महाराज लोगों को देंगे धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा। खन्ना पंजाब में 10 अप्रैल से आयोजित होगा नानी बाई का मायरा कार्यक्रम। 14 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय गौरदास जी महाराज भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति का करेंगे बखान। योग और आयुर्वेद के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के विभिन्न कार्यकलापों और शिविरों का प्रसारण देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ संस्कार पर। आयुर्वेद से जुड़ी रोचक बातें और जड़ी बूटियों द्वारा रोगों से निजात पाने के घरेलू और सरल उपाय जानिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के आसान नुस्खों में प्रतिदिन संस्कार और सत्संग पर। तो ये थी धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने आसपास हो रही धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर भेज सकते हैं, जिन खबरों को हम शामिल करेंगे भक्ति टॉप 10 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।